अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं अपने न्यूट्रिएंट फैक्ट्स का जो सेक्शन है जौली अजीम का, उसके अंदर मैं मोस्टली किस्म के वेजिटेबल और फ्रूट्स के मुतालिक हर्ब स्पाइस और खाने पीने के दूसरे न्यूट्रिएंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वेजिटेबल सेलेक्ट की है। ये हरी मिर्चों की एक किस्म होती है जलापीनो, वैसे लिखने में जलापीनो होता है, पढ़ने में से अल्पीनो कहते हैं, तो आप इसे जैसे मर्जी नाम से पुकार सकते हैं, जलापीनो कह लो, एल्पिनो कह लें, या इवन मोटी सब्ज़ मिर्च भी इसे आप कह सकते हैं उर्दू के अंदर। तो चलें दोस्तों इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स शुरू करते हैं। यह कैसे लोग जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, उसे एल्पिनो को वो बारीक काट के या वैसे भी सैलड के तौर पर काट के इसे खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसे खाने से हॉटनेस और स्पाइसनेस कोई इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। इसकी जो स्किन होती है मोटी होती है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है जैसे मैंने बताया तीखापन नहीं होता, जैसे शिमला मिर्च होता है टेस्ट उसी तरह का इसका भी होता है, तो इतनी ये हॉट नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनका जिन्हें आधे सर के दर्द की बीमारी है, तो ऐसे लोग जिनके माइग्रेन है, आधे सर का दर्द होता है या वैसे ही सिंपल वाला सर का दर्द होता है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनका सर दर्द की बीमारी दूर हो जाएगी। और ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं और या कैंसर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो अल्पिनो को डेली में इस्तेमाल करें तो उनका जो कैंसर है वो ख़त्म हो जाएगा और कैंसर से ये महफूज करती है। और लो ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो आप इसे इस्तेमाल करें तो ये बैलेंस कर देती है, मॉडरेट कर देती है, जिससे में किसी भी हिस्से में अगर आपके सोजिश है तो अल्पिनो इस्तेमाल से वो सोजिश दूर हो जाएगी। और जितने भी किस्म के आपको आंतों की प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आंतों के अंदर ज़ख्म है या कोई कैंसर हो चुका है आपको आंतों का, तो इसके इस्तेमाल से आपकी एनल जितनी भी डिजीज़ हैं दूर हो जाएगी, आपकी बड़ी आंत को ये फ़ायदा देती है। और ऐसे लोग जो कम कैलोरीज खाना चाहते हैं तो अगर इसका सैलड बना के खाएँ मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिक्स करके बंद गोभी के साथ, तो इनका वेट लॉस होता है, तो इसमें जो है ये फैट बर्निंग करती है। सेम इसके फ़ायदे वही हैं जो सब्ज़ मिर्च के होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सब्ज़ मिर्च की ही एक टाइप है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा इधर जो है पिज़्ज़ा वगैरह में किया जाता है, अचार बनाने में किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की जो जो है सैलड के अंदर यूज़ किया जाता है इसे। तो नेक्स्ट इसके जो है फ़ायदे की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं तो इसके इस्तेमाल से उनका जो दिल है ताकतवर हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाते हैं, उनके ब्लड जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ फ्लो होता है। और दोस्तों यह सर्दी को दूर करती है, जिस समय किसी भी हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है तो वो आपका पेन रिड्यूस करती है। और ऐसे मर्द जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर जो है एक दूध होता है जो फूल जाता है, मर्दाना एक ऑर्गन होता है, तो उसके अंदर ये बहुत फ़ायदा देती है, उनका प्रोस्टेट कैंसर जो है दूर हो जाता है। और दोस्तों ये फुल ऑफ विटामिन ए सी के, इसके अंदर पोटाशियम बहुत हाई मकदार में पाया जाता है, आँखों की जो हिफाजत करती है, आँखों की चमक बहुत तेज़ कर देती है, आँखों की रोशनी बहुत तेज़ कर देती है। और दोस्तों जिल्द के लिए भी ये बहुत अच्छी, जिल्द को चमकदार बनाता है, सेहतमंद रखता है और स्ट्रेच करता है जिल्द को। ऐसे लोग जिन्हें खून जमने की प्रॉब्लम है, यानी अगर उन्हें कोई ज़ख्म लग जाए तो उनका खून नहीं जमता, अगर वो एल्पिनो इस्तेमाल करते हैं रोटी में तो उनका जो ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ खून के ऊपर पपड़ी जम जाएगी, उनके ब्लड जो है फौरन रुक जाएगा। दोस्तों इसके अंदर विटामिन बी भी अच्छी मकदार में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। चले दोस्तों ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स, अब आते हैं एल्पिनो की साइड इफेक्ट्स की तरफ। ऐसे लोग जो जिन्हें तीखा बहुत लगता है मिर्च खाने में, वो चाहे वो कम हो या चाहे ज़्यादा हो, शिमला मिर्च खाने से भी उन्हें तेज़ जो है बर्निंग सेंसेशन होती है, इसी तरह एल्पिनो के इस्तेमाल से भी आपके माउथ के अंदर थोड़ी सी जो है जलने का एहसास हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये इतनी तीखी नहीं होती। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एल्पिनो के बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे ज़्यादा दें आपके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।